हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ तीन एक ही कंटेंट का जो हमारा मेडिसिन लेकर आया हूँ और ये गैस के लिए काम आता है। कौन सा सबसे अच्छा, कौन सा बेहतरीन काम करेगा, आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। आप इस तीनों की वीडियो अलग अलग भी देख सकते हैं, मैंने अपलोड कर दिया है। और मैं यह भी कर देखना, अगर आपको जैसे अलग अलग देखना है तो आपको पैनजॉक्स DSR सर्च करना है, उसके बाद लिखना है आगे बाई मेड नॉलेज 1M मेरे चैनल का नाम लिखना है, या फिर आपको पेंटोसेक DSR के देखना है। अगर नहीं आता है मेरा वीडियो तो आपको लिखना है पेंटोसेक DSR बाई मेड नॉलेज। आप इतना लिखेंगे मेरा वीडियो फर्स्ट नंबर पे आ जाएगा। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम तीनों का कंटेंट जान लेते हैं, उसके बाद तीनों की कंपनी जान लेते हैं, फिर हम जानेंगे इसका यूज़, उसके बाद हम जानेंगे कौन सा बेहतरीन काम करता है, उसके बाद हम जानेंगे इसका डोज, उसके बाद जानेंगे सावधानी। तो आप वीडियो लास्ट तक बने रहिए, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाने वाला हूँ। इसका नाम है जो कि 4G PAN DSR इसका है नाम। इसे ड्यूलेस फार्मा द्वारा बनाया जाता है। इसका कंटेंट है पेंटाप्राजोल 40 mg, डोमपेरिडोन है जो हमारा है 30 mg। इसे 201 रुपीज़ इसका MRP है जो कि काफ़ी ज़्यादा है। और इसे ये 10 कैप्सूल का किश्त आता है, ये आपको इजीली 100 से 150 रुपये में मिल जाएगा। उसके बाद हमारे पास है पैनजॉक्स DSR जो हमारे पास है। इसे बनाने वाले का नाम, जो कंपनी का नाम है, नेवी हेल्थ केयर फार्मा द्वारा बनाया जाता है। इसमें कंटेंट है पेंटाप्राजोल, डोमपेरिडोन। पेंटाप्राजोल 40 mg, डोमपेरिडोन है 30 mg। ये आपको 120 रुपीज़ में इजीली मार्केट में मिल जाएगा 10 कैप्सूल का एक स्टेप में। उसके बाद हमारे पास जो है पेंटोसेक DSR है। पेंटोसेक DSR जो हमारा है, इसमें है कंटेंट पेंटाप्राजोल, डोमपेरिडोन। पेंटाप्राजोल है 40 mg, डोमपेरिडोन है 30 mg। इसे सिप्ला फार्मा द्वारा बनाया जाता है जो कि बहुत ही पुरानी कंपनी है, बहुत ही बेहतर कंपनी है, बहुत जानी मानी कंपनी है। 137 रुपये इसका MRP है, आपको इजली मार्केट में मिल जाएगा। 10 कैप्सूल देखने के लिए मिलता है। फ्रेंड्स, ये तीन हमारे पास हो चुके हैं। तीनों का पहले हम यूज़ और डोज और जान लेते हैं, उसके बाद लास्ट में हम जानेंगे कि कौन सा सबसे अच्छा काम करेगा। तो फ्रेंड्स, इन तीनों का काम सेम ही है क्योंकि कंटेंट सेम है। ये जैसे कि आपके पेट में गैस बन गई है, पेट दर्द कर रहा है, पेट में सूजन हो गया है, मतली जैसा फील हो रहा है, उल्टी हो रहा हो, या फिर आप खाना खाएँ, खाना हजम नहीं हो रहा है, पेट फूला फूला रहता है, इन समस्याओं में इसका बहुत ही बेहतरीन काम करता है। ये पेप्टिक अल्सर में काम करता है, बहुत ही अच्छा काम करता है तीनों का तीनों। उसके आगे हम जान लेते हैं इसके डोज के बारे में। तीनों का सब कुछ सेम है, आगे हम समझेंगे कौन बेहतरीन काम करेगा। तो डोज, एक अडल्ट व्यक्ति इसे दिन में 2 टाइम ले सकता है। इसे खाली पेट खाना रहता है, खाली पेट खाएंगे तो ज़्यादा काम करेगा। कोई भी गैस की दवा हो तो खाली पेट ही उसे खाना चाहिए फ्रेंड्स। लेकिन इसका डोज लेने से पहले डॉक्टर से कंसल्ट करें क्योंकि ये जो डोज होता है वो कंडीशन और उसके बाद वेट और एज के हिसाब से होता है, तो इसीलिए इसका डोज लेने से पहले डॉक्टर से कंसल्ट कर लें। फ्रेंड्स, अगर अब हम जान लेते हैं इसके कॉमन साइड इफ़ेक्ट के बारे में। इसका कॉमन साइड इफ़ेक्ट है जैसे कि आपके शरीर में दाने निकलना, खुजली होना, सद होना, चक्कर आना, और उसके बाद पेट ख़राब होना, पेट में दर्द होना, पेट में ऐठन होना, ऐसी कुछ समस्या देखने के लिए मिलता है। तो इसका सेवन करना तुरंत ही बंद करें, अपने डॉक्टर के पास जाएं। फ्रेंड्स, अब हम जान लेते हैं इसके सावधानी के बारे में। अगर आपको लीवर या किडनी संबंधित प्रॉब्लम है तो इसका यूज़ करने से पहले डॉक्टर से कंसल्ट करें। जो महिला प्रेग्नेंट है, जो मां अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं, वो भी यूज़ करने से पहले डॉक्टर से कंसल्ट कर लें। और इसे खाने के बाद अल्कोहल का इस्तेमाल ना करें। इसे लेने से पहले, तीनों दवा जो है लेने से पहले, आप इसका एक्सपायरी डेट जरूर से चेक कर लें, तभी इसे लें। और इसे बच्चों की पहुँच से बिल्कुल भी दूर रखें। जो मैंने कंटेंट बताया, अगर आपको उस कंटेंट से एलर्जी है तो इसका यूज़ करने से पहले डॉक्टर से कंसल्ट करें। फ्रेंड्स, अब हम जान लेते हैं कौन सा सबसे अच्छा काम करेगा। तो हम नंबर फर्स्ट पे जो हमने रखा है अपने हिसाब से वो है पेंटोसेक DSR जो कि बहुत ही अच्छा काम करता है। फर्स्ट नंबर पे मैंने इसे रखा है। सेकंड नंबर पे मैंने रखा है पैनजॉक्स DSR को, जो कि सेकंड नंबर पे ये काम करता है। थर्ड नंबर पे मैंने रखा है 4G PAN DSR को। लेकिन काम तीनों का बहुत ही बेहतरीन है, आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कि इसको क्या सूट करता है कोई पता नहीं है, लेकिन मैं जो बता रहा हूँ पेंटोसेक DSR लीजिए। अगर नहीं मिलता है तो आप पैनजॉक्स DSR लीजिए, नहीं मिलता है उसके बाद 4G PAN DSR लीजिए। अगर आपको ये तीनों नहीं मिलता है तो आप पेंटॉप DSR ले सकते हैं मार्केट में, यानी इस कंटेंट से कोई भी DSR ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा वीडियो। मैंने आपको बता दिया कौन सा कब कैसे खाना है, कैसे क्या करना है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अगर आपको किसी मेडिसिन के बारे में जानना है, किसी दवा के बारे में जानना है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग। किसी भी मेडिसिन को यूज करने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें। हमारा काम है सिर्फ मेडिसिन की नॉलेज देना है।